दो दिनों में मौसम ने अपनी पूरी तरह से मिजाज को बदल दिया है। गर्मी से तप रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। भले ही मौसम विभाग इसे साइक्लोनिक डिस्टरबेंस कहे, मगर लोगों ने इसे काफी राहत की सांस ली है। पिछले दिनों गर्मी और उमस से लोग त्राहिमाम करने लगे थे, मगर अचानक तेज हवा और घुमरते बादल के बाद रिमझिम बारिश से लोगों ने बहुत राहत महसूस की है। तापमान में काफी गिरावट आ गई है। पिछली रात हुई बारिश से जगह जगह जल जमाव भी हो गया है, जिसका फायदा परिंदे भी उठाने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सरफेस क्रिएट होने से मौसम बदला है और अभी दो दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बयार बहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। झारखंड और बिहार के अराउंड है, अपर विंड में 0.9 किलोमीटर के ऊपर में देखा जा रहा है अभी, और ये अभी एक दो दिन तक रहेगा, जिसके कारण टेम्परेचर भी डाउन होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड क्लाउड भी रहेगा अभी, और वेदर तो मोस्ट और इवन ऐसे ही रहेगा अभी। मूसलाधार बारिश से तूफान भी हो सकता है? हाँ, तूफान होगा भाई, 10 से 12 किलोमीटर पाव विंड चल सकता है। स्क्वाल का भी कोई वार्निंग है नहीं, झारखंड में है मगर अभी नहीं है। अराउंड आज से चौथा दिन में स्क्वाल आने की संभावना हो सकती है। एसएसपी अमोल वेनुकांत ने कहा कि रामनवमी के मद्देनजर सभी संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी अमोल वेनुकांत ने कहा कि रामनवमी के मद्देनजर सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर मजिस्ट्रेट के अलावा वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही हर तरफ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। उसके लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में मैजिस्ट्रेट्स और पर्याप्त संख्या में बलों की व्यवस्था की गई है। जो भी सेंसिबल रूट है उनकी मैपिंग की गई है, वहाँ पर सीनियर अफसरों को दंडाधिकारी के रूप में दिया गया है और पुलिस के वरीय अफसरों को भी कैंप कराया गया है। समाज सेवी संस्था अन्वेषा द्वारा सर्वधर्म समन्वय पर अटूट बंधन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क इन्फॉर्मेशन सेंटर में आयोजित उक्त कार्यक्रम का नाम अटूट बंधन रखा गया है, जिसमें सभी धर्मों और धर्मावलंबियों के बीच प्रेम और आपसी समन्वय कायम करने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिनमें समाज सेवा से जुड़े 56 रिजवी, क्रिश्चियन काउंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट फादर डॉक्टर डी तुल्हे, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुजाता सिन्हा और शेखर डे प्रमुख हैं। अटूट बंधन नाम से सर्वधर्म समन्वय पर कार्यक्रम रखा जाता है। यही कार्यक्रम आज भी हम लोग रखे हैं, चल रहा। अभी आप लोग जानते हैं, एक तरफ हिंदू समाज का बसंती पूजा चल रहा, परसों से क्रिश्चियन समाज का भी एक उत्सव शुरू होने वाला है, और ऐसा करके सभी जगह का, हमारे देश का जितना धर्मीय संप्रदाय है, कुछ ना कुछ इसी समय से चलते जाता है, चलेगा भी। और यही हम लोग चाहते हैं कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन आपका क्रिश्चियन, ये सब हम लोग, चाहे कि बौद्ध, ये सब हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। हम लोग मानवीय रूप से ही जानना चाहते हैं। जुबली पार्क में आए दिन सांप निकलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शनिवार को एक साथ दो सांप निकले, जिनमें एक को सर्व विशेषज्ञ ने पकड़ लिया है। शायद मौसम में बदलाव और बारिश की वजह से सांपों के निकलने का क्रम जारी है। जुबली पार्क में शनिवार को दो सांपों को विचरण करते देखकर लोगों ने सांप पकड़ने वाले को फोन किया। दो में से एक को कमल नामक युवक ने पकड़ लिया, जो पेशेवर स्नैक कैचर है। उसने बताया कि ये करेत है, पर देखने से धामन प्रतीत हो रहा था। उसने बताया कि जंगल में निर्जन इलाके में छोड़ दिया जाएगा सांप को, देखने वहां लोगों की भीड़ लग गई। दो सांप था, एक भाग गया। अच्छा, बाकी ये था पकड़ा गया। तो अभी कहां ले जा रहा है? अभी बस छोड़ देंगे ले जाके। कहां? कोई टिमकन के पास। तो आप लोग सांप पकड़ते हैं? हाँ, पकड़ते हैं। और डर नहीं लगता जी, इस तरह का जो? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर लगता तो पकड़ते ही क्यों। वो सांप है, ये करे थे, कॉमन करे थे। कितना बिसेला होता है? बिसेला तो बहुत होता है। क्या करेगा अगर काट लेगा तो? काटने एंटीबायोटिक लेना होगा।